हेलो टू ऑल माय फैमिली, मैं माइटी शैनन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल WFC के 22वीं वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप स्नोमैन को जानते हो? बिल्कुल जी बिल्कुल, वही जो बर्फ से बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे छोटा स्नोमैन है और इसकी हाइट 2.7 माइक्रोन है। अगर हम कंपैरिजन से समझें तो हमारे सर का एक बाल, जी हाँ हमारे सर का एक बाल 75 माइक्रोन तक का होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना छोटा होगा। फोटो में जो आप ये तीन स्पेयर देख रहे हो, ये तीन सिलिका पार्टिकल हैं जिन्हें जोड़ दिया गया है। और इसकी नाक और इसके दोनों हाथ प्लैटिनम से बनाए हैं। इसकी आँख और इसकी स्माइल आइकन बीम से बनाई गई है। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगर हम किसी इंसान की आंखें बंद कर दें और उसके हाथ में कुछ चीज़ दें तो वो अपनी फिंगर से फील करके बता सकता है कि वो क्या चीज़ है। इसी चीज़ को लेकर एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में ये पता लगाया गया कि इंसान कितनी छोटी से छोटी चीज़ को फील करके बता सकता है बिना देखे। और आखिर में उन्हें इसका आंसर मिल गया। और ये आंसर एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन अप्रोक्स में ज़रूर है। वो है 13 नैनोमीटर, जी 13 नैनोमीटर। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपका हाथ एक अर्थ के जितना बड़ा है और उसके बाद आपके हाथ पे घोड़ा या एक कार रख दी जाए तो आप उसको भी फील करके बता सकते हो कि ये घोड़ा है और ये कार है। मतलब आप कंपैरिजन आराम से कर सकते हो। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है हमारे तीन टाइप के आंसू होते हैं? बेसल, रिफ्लेक्स और साइकिक। इन तीनों में जो साइकिक वाला आंसू है वो तब निकलता है जब हम उदास होते हैं, जो कि कुछ डिफरेंट केमिकल से बना होता है। और बाकी के जो दो आंसू हैं, बेसल एंड रिफ्लेक्स, ही नेचुरल पेन किलर की तरह काम करते हैं। इसमें एक केमिकल होता है ल्यूसिन एनकेपेलिन। इसकी वजह से ही तो हम रोने के बाद हमें बेटर फील होता है। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। एक बंदे को अपनी रूम की दीवार को कलर करवाना था लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो कौन सा कलर करवाए, तो उस बंदे ने ये कलर करवा लिया। इस दीवार को कलर करने में 450 घंटे का टाइम लगा। इसमें 570 कलर हैं एंड 855 स्क्वायर हैं। व्हाट अ यूनिक टाइप ऑफ बंदा। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। इस टाइगर का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इसका दांत टूट गया था, जिसकी वजह से टाइगर को खाने में प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन बाद में एक सोने का दांत बनवाकर इस टाइगर को वापस इसके मसूड़ों में चढ़वा दिया। क्या बात है। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। इस फोटो को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक व्हेल कितनी बड़ी होती है और वो अपनी जीभ से एक हाथी का वेट भी उठा सकती है, वो भी बड़ी आसानी से। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। ये जो आप फोटो में देख रहे हो, ये टाइटन नोवा सांप का स्केलेटन है जो 60 माइल्स ईयर पहले होता था। ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट सांप था। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। ये जो आप फोटो में देख रहे हो, ये फोटो एक फ्यूचर प्लेन का फोटो है जो फ्लाइंग वी के नाम से जाना जाएगा। और ये प्लेन एक फ्यूल एफिशिएंट प्लेन होगा जो कि फ्यूल बचाएगा और इसके विंग्स में यात्री बैठ के यात्रा कर पाएंगे। दिस इज कूल फैक्ट। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। आज के टाइम में जब भी हमें दुश्मन का प्लेन को पता करना होता है या फिर दुश्मन के प्लेन को फाइंड करना होता है तो हम रेडार का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब रेडार का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब इस मशीन से, जो आप फोटो में देख रहे हो, इस मशीन से प्लेन का पता किया जाता था। मतलब ये एक रेडार मशीन की तरह काम करता था। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। सभी प्लैनेट गोल ही क्यों होते हैं? हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है जिसमें कोई सन से बहुत पास में है तो कोई सन से बहुत दूर है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा प्लैनेट है, कोई प्लेन सरफेस प्लैनेट है तो कोई रॉकी सरफेस प्लैनेट है, कोई गैस का बना हुआ है। लेकिन कोई भी प्लैनेट का शेप क्यूब में क्यों नहीं होता, पिरामिड में क्यों नहीं होता, डिस्क में क्यों नहीं होता? सारे के सारे प्लैनेट का शेप गोल ही क्यों होता है? तो प्लैनेट का गोल होने का चक्कर उसकी ग्रेविटी है, यानी कि प्लैनेट की ग्रेविटी उसके सेंटर में होती है और वो ग्रेविटी प्लैनेट की सारी एजेस को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से एक स्पेरिकल शेप आ जाती है जो कि एक 3-डायमेंशनल सर्कल है। यही रीजन है कि सारे प्लैनेट अपनी ग्रेविटी की वजह से गोल होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नए
वीडियो में और एक और नए कंटेंट के साथ। लेकिन तब तक के लिए बी सेफ बी हैप्पी।